एक सड़क हादसे की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई में हाजिर होने के लिए उसी महिला के नाम समन भेज दिया, जिसकी मौत इस हादसे में घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। सुनने पढ़ने में अजीब लगेगा, आश्चर्य भी होगा, लेकिन यह बात सच है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 1 साल बाद इसी केस में महिला की कोर्ट में हाजिर होने का फरमान सुना दिया। पुलिसकर्मी बाकायदा महिला के घर समन लेकर पहुंचा। समन देख कर बेटा हैरान रह गया। उसने कहा, कोर्ट में पेश करने के लिए माँ को कहाँ से लाऊं? उनका तो निधन हो चुका है। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि गलती से समन जारी हो गया होगा, वह डेथ सर्टिफिकेट लेकर चला गया। टीटी नगर क्षेत्र में मकान नंबर 202 बाणगंगा न्यू रेस्ट हाउस के पीछे रहने वाले दर्शन लाल की पत्नी धनवंती शर्मा हाउस वाइफ थी। 7 अक्टूबर सन 2021 की सुबह नवरात्रि के पहले दिन वह पीतल वाली माता देवी मंदिर में दर्शन करने गई। वहां वह मंदिर के बाहर खड़ी थी, इतने में तेज रफ्तार बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। धनवंती की मौके पर ही मौत हो गई। टीटी नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक की पहचान की। जांच में सामने आया कि बाइक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने बाइक जब्त कर लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपी के नाबालिग होने से केस किशोर न्याय बोर्ड पहुंचा। मामले की सुनवाई चल रही है। सम्मान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड निधि साकेवार की कोर्ट में आया है। समन में लिखा गया, 4 नवंबर सन 2022 को दिन में 10 बजे हाजिर हों। कोर्ट की इजाजत के बिना वहां से ना जाएं। आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्याय संगत कारण के बिना आपने हाजिर होने में उपेक्षा की या इनकार किया तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। धनवंती के बेटे रवि ने बताया कि घटना वाले दिन से पुलिस हम लोगों को गुमराह करती रही। हमने जब घटना के बाद पुलिस से पूछा कि क्या मां की जान लेने वाली गाड़ी जब्त हो गई, आरोपी पकड़े गए हैं, पुलिस कहती रही कि सब पकड़ लिए गए हैं, जबकि असलियत में महीनों बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त की और आरोपी पकड़ा। उसमें भी आरोपी को नाबालिग बना दिया गया, इसी वजह से क्लेम में देरी हो रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।